हेलो दोस्तों, राजा एसी टेक में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था, ये जो मिट्सुबिशी का जो एसी है इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था। ओके, तो इसमें जो है P8 का एरर आ रहा था। 10 मिनट के बाद जो है आउटर समझो पूरा जो है वो बंद हो जा रहा था, मतलब शट डाउन हो जा रहा था, और अंदर जो है इनडोर के पास थर्मोस्टेट में P8 का एरर आ रहा था। तो हमने इसमें क्या किया कि जनरली दोस्तों क्या होता है कि इसका जो है वो P8 का जो एरर आता है इसमें जो है गैस अगर कम होता है तो आपका P8 का एरर आएगा, वो आप चेक करेंगे। कंप्रेशर अगर डिफेक्टिव रहेगा तो भी आपका P8 का एरर आएगा, तो कंप्रेशर को भी आपको जो है वो चेक करना है अच्छे तरीके से। तो हमने जो है यहाँ पे चेक किया था कि कंप्रेशर भी ओके है, गैस भी ओके है, और आउटडोर का जितना भी सब कुछ है वो मोटर वगैरह सब कुछ अच्छा वर्क कर रहा था। लेकिन क्या हो रहा था कि इसमें गैस वगैरह सब कुछ ठीक था, इसमें क्या हो रहा था कि जैसे ही मशीन चल रहा ठंडा समझो बहुत अच्छा कर रहा था, ठंडा एकदम टकाटक कर रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो है 10 मिनट चलता है, 10 मिनट चलने के बाद जो है इसका आउटर बंद हो जाता था, और बंद होने के बाद जो है वो PCB में P8 का एरर आ रहा था। तो हमने क्या किया इसमें कि अगर आपका गैस वगैरह सब कुछ ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पे एक PCB बॉक्स जो है वो यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे PCB बॉक्स लगा हुआ था। तो हमने क्या किया कि वो PCB बॉक्स को जो है वो हमने देख सकते हैं, ये हमने PCB बॉक्स जो है वो निकाल दिया है, और निकालने के बाद जो है यहाँ पे जो है ये रिले लगा दिया, ठीक है। तो ये रिले लगाने का मकसद ये है कि मान लीजिए अगर आप इमीडिएटली अगर मशीन ऑन करना है, चलाना है, तो आप इस तरह का रिले अगर होगा आपके पास तो आप लगा सकते हैं ये PCB डिसमेंटल करके। ओके, तो ये जो PCB ये जो रिले है, ये रिले का जो कनेक्शन है, इस तरह कनेक्शन है, वो भी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, इसका जो है आप देख सकते हैं यहाँ से इनडोर से जो है आउटडोर के पास जो है वो इंडोर टू आउटडोर जो कम्युनिकेशन वायर होती है वो ये वाली वायर है। ओके, और ये मेन पावर है 3 फेज का लाइन, तीनों जो है आपका फेज है और एक न्यूट्रल है और एक अर्थ है, तो ये आपका मेन पावर हो गया। अभी हम लोग मेन पावर का बात नहीं करेंगे, हम लोग बॉक्स टाइप रिले जो है वो किस तरह वर्क कर रहा है और किस तरह हम लोग कनेक्शन किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लाइन दो तारें आ रही हैं, दो तार आने के बाद जो है आप देख सकते हैं ऊपर जो है ये जो है वायर जा रही है बॉक्स में। ओके, बॉक्स में जो जा रही है ये आप देख सकते हैं, ये जो सिंबल है ये देखिए बगल में सिंबल जो है ऐसे करके जो राउंड राउंड बना हुआ वो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज में है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये जो नीचे से जो आ रहा था दोनों वायर जो है आपस में यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, ये दोनों पॉइंट में हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे से आया वायर और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन लिखा हुआ है, ON ऑन लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे ON ऑन लिखा हुआ है नीचे वाला, ये जो ग्रे वाला वायर है ये, ठीक है, ये जो ON लिखा हुआ है, ON को आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सीधा गया कॉन्टैक्टर में, कॉन्टैक्टर का जो A2 पॉइंट होता है, A2 पॉइंट जो आउटपुट देता है, कॉन्टैक्टर आउटपुट जो देता है, जो कॉन्टैक्टर दबता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जो है A2 वाला से जो है A2 पॉइंट से उठा के जो है हम लोग यहाँ पे इस रिले में दे दिए हैं। और ये जो है आपका कॉमन जो लिखा हुआ है, कॉमन से उठा कर जो है एक पॉइंट हमने यहाँ से एक ये देखिए ये लाइन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, एक जो है हमने लाइन दिया हुआ है 220 और एक आउट दिया हुआ है, ठीक है। आउट यहाँ जैसे ये आउट करेगा ये कॉन्ट्रैक्टर जो है वो दब जाएगा, और दबने के बाद जो है सब कुछ अपना चालू हो जाएगा, यानी कि कंप्रेसर चालू हो जाएगा, फ़ैन चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एकदम आसान तरीका है ये, जो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। इसको लगाने का पर्पस यही है कि आपका जो है अगर इमीडिएटली कहीं पे काम अगर कर रहे हैं तो आप ये PCB बॉक्स जो है वो निकाल कर जो है इस तरह से भी मशीन को जो है ऑन कर सकते हैं और प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो जो आपको पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स पसंद आया तो मेरे चैनल को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर AC से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट के हिसाब से जो है वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।